सो मेरे शक्ल को देख के इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी हूँ और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो बाहर का व्यू मेरा दिल जीत लिया। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि ये मेरे लगेज के लिए बस एक बचा है खास, बाकी के लिए मैं जो ये पीछे मेरा सामान लेके जा रही थी। इतना सारा सामान मैं अकेले देख के तो घबरा गई, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए ना आसपास खुली दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड मुझे सारा लेके जाना पड़ा, अगर ये सारा लेके जाना पड़ता मुझे तो मैं तो रास्ते नहीं रह जाती, पहुँच ही नहीं पाती मैं मुंबई। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ और अगले 30 दिनों के लिए मैं यहीं रहने वाली हूँ। सो अगले 30 दिनों तक आप हमारा डेली शेड्यूल और हमारा वर्क प्लान और हमारे फैक्ट्री का विजिट करने वाले हैं। सो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू हो जाइए और बाकी आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए। और आई नो कि आजकल आप लोग भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, तो मुझे भी एक्टिव होना बनता है। सो चलिए देखिए, अभी पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अभी यहाँ पे जिधर भी देखो उधर भीड़ ही नज़र आ रही है। सो चलिए तब तक के लिए आप हमारा ब्लॉग देखिए। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई अपने डेस्टिनेशन पे और ये है हमारा डेस्टिनेशन। मैंने घर तो काफ़ी बड़ा लिया है, यहाँ आप कह सकते हैं फार्म हाउस की तरह है, बहुत बड़ा है अंदर और काफ़ी सारे कमरे हैं, लेकिन सच बताए कुछ भी नहीं है। मैंने तो उड़ता तीर ले लिया है कह सकते हो आपके, कुछ भी नहीं है। A to Z सेटअप अभी खुद से करना है। सो चलिए आज डे फर्स्ट है और देखते हैं कि आज के डे में यहाँ पे क्या क्या सेटअप करते हैं। पहले मेरा प्लान है कि बेड वगैरह सेटअप करने का, और लोकेशन देखेंगे तो आप तो बालकनी का व्यू अगर आप देखेंगे तो घायल ही हो जाएंगे। ये देखिए मुंबई के अंदर ऐसा व्यू मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता है। सब चलिए देखते हैं कि पहले तो मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं एटलीस्ट काम करने वाली को ढूंढ लूँ यहाँ, जो कि साफ सफाई का काम करे। तो चलिए पहले वो देखते हैं कि कोई साफ सफाई करने वाला मिले, उसके बाद बाकी का सेटअप करते हैं। क्या हुआ? छोटा है अभी, क्यों देखो दीदी। और इसका नाम ओडियो है और ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे बिछड़ा हुआ साथी इसको मिल गया है, तो मैं थोड़ा शॉक हूँ कि ये कब हुआ है। धीरे धीरे आने के बाद मेरा सेटअप भी होने स्टार्ट हो गया है और मुझे काम वाले भी मिल गई है, तो चलिए देखते हैं सफाई वफाई प्रॉपर हो रहा है। सफाई चल रहा है और यहाँ बिच्चू हाय, हाय तो करो। हाय ब्लॉग ओके, आंधी आए तूफान आए पानी में डूबते जाए और उसके बाद भी ब्लॉग कंटिन्यू रहे। भाई ट्रेन का कोई साथ देना है इसलिए, कोई है सामने? मैं नहीं दिख रही हूँ उसमें। दिख रही हो यार? हाँ। तो उधर काम वाम चल रहा है और इधर वीडियो कॉल पे मेरा चल रहा है बातचीत, और बस पीछे हमारा लगेज ऐसे मसा पड़ा है, एक अभी कर रहा है सारा सेटअप वगैरह। प्लान भी तो चल रहा है कि मैं कब आ रही हूँ, कैसे आ रही। सारा मैं सेटअप वगैरह कर लूँगी तब आओगी तुम। और आंटी को ऐसे मॉपिंग करते हुए वाइपर चलाते हुए देखकर न जाने मैं कहाँ खो गई और उनको इतने प्यार से मैं देखने लगी। आई डोंट नो, आप मेरी निगाहें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी गहरी सोच में चली गई हूँ। उनको देखते देखते मैं ये सोच रही थी कि इनके भी बच्चे हैं क्या जो अपने माँ बाप को काम करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे थोड़ा डांस कर रही हूँ और मैं अकेले ही इंजॉय कर रही हूँ, सच बताए ना तो आज पूरे दिन के लिए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं शॉपिंग करने जाऊँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी अपने लिए लेके आऊँ जो अभी नहीं है मेरे पास, तो शाम का प्लान करते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। इवन नहाने वहाने का भी कोई सिस्टम नहीं है, मैंने ना एकदम रॉ लिया है, एक एक चीज़ मैं खुद से करने वाली हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये चमक ये धमक को छोड़ के
पीसफुल माइंड. ओ माय गॉड, माय माइंड इज सो सो. देख रही हूँ अपने माइंड के लिए क्या क्या किया जा सकता है. फाइनली मैंने यहाँ पे कैब लिया और निकल गए शॉपिंग के. बहुत शॉपिंग करने हैं और उसके बाद उससे पहले मुझे थोड़ा सा भूख लगा है क्योंकि लंच तो मैंने किया ही नहीं है. तो लंच करेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे घर. वेट कर रहे हैं बर्गर का. रुकना नहीं चाहिए. शॉपिंग करा है जो बाहर बिलिंग हुई है. और ये मैंने एक अपने लिए कपड़ा देखा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा है. मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया है. आई डोंट नो कैसा लग रहा है, पता नहीं, बट हाँ ओके, लेट्स सी कैसा लगेगा बाद में. थोड़ी टाइट आ गई है तो अब उसके लिए ना थोड़ी फिटिंग की थोड़ी इशू आ रही है. तो देखिए फिटिंग का लेते हैं और फिर चलते हैं. एक साइज बड़ा और करवाना है. खराब है. दिन भर बहुत सारा डस्टिंग था, बहुत सारा काम हुआ. अभी भी पूरा मैसअप है बट धीरे धीरे इसको सॉर्ट करना है. और अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ, नहाया वहाया. सो अभी थोड़ा नहाया वहाया तो अब जा करके थोड़ा ठीक लग रहा है. और चलिए कल के डे में क्या क्या करते हैं. कल वैसे मुझे उठ करके मुझे निकलना है फैक्ट्री पे. सो आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आज का जो फूड था वो मैंने बाहर से मंगा लिया था. सो आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं. Bye guys.